रियलिटी शो लोकअप में बीते दिनों एक कंट्रोवर्सी देखने को मिली थी, जब हलाला मीट पर एक बहस हो रही थी और बहस के दौरान एक्ट्रेस पायल रोहतगी और जिशान खान काफ़ी ज़्यादा उग्र होते हुए नजर आए थे। जहां एक तरफ जिशान खान गालियां दे रहे थे, वहीं पायल रोहतगी ने उन्हें इस्लामोफोबिक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आतंकी तक कह दिया था। इस बात की कड़ी आलोचना हुई थी और इस बात पर कंगना रनौत ने भी उन्हें फटकार लगाई थी और साथ ही साथ घर के अंदर एक न्यूज़ चलाई गई थी हलाला मीट बैन को लेकर, जो कि कर्नाटका सरकार ने किया है और इसके बाद कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई थी। अब इस पूरे मुद्दे पर पायल रोहतगी की सफाई सामने आई है। वो दरअसल कैमरे के सामने आकर माफ़ी मांगती हुई नज़र आ रही हैं पूरे समुदाय से। पायल आती हैं और कहती हैं कि अगर मेरी बात से किसी के सेंटीमेंट्स हर्ट हुए हैं तो मैं माफ़ी मांगती हूँ, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ पायल रोहतगी ने जिशान खान से माफ़ी नहीं मांगी है। दरअसल इस खबर की सच्चाई ये है कि उन्होंने माफ़ी मुस्लिम समुदाय से मांगी है लेकिन जिशान से नहीं मांगी, और वो अपने बयान पर अभी भी कायम हैं। वो अभी भी ये कह रही हैं कि लोगों को ज़बरदस्ती हलाल मीट खिलाना बंद किया जाना चाहिए। आपको बता दें, रियलिटी शो लोकअप में हाल फिलहाल हलाल मीट को लेकर एक विवाद चल रहा है और उस पर लोग बहस करते हुए नज़र आ रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि हलाल मीट सही है और सभी को हलाल मीट दिया जाना चाहिए। वहीं कई लोगों का कहना है कि हिंदू धर्म के मुताबिक हलाल मीट नहीं खाया जाना चाहिए, उन्हें झटके का मीट खाना चाहिए। बल्कि ऐसा पहली बार है कि किसी रियलिटी शो में इस तरह का सेंसिटिव मुद्दा गरमाता जा रहा है। पूरे मुद्दे पर पायल रोहतगी ने माफ़ी मांग ली है मुस्लिम समुदाय से, लेकिन जिशान खान से वो बिल्कुल भी माफ़ी मांगती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। उन्होंने साफ कहा है कि उन्हें इस बात का कोई रिग्रेट नहीं है कि उन्होंने हलाल मीट के लिए लोगों से बहस की। वो चाहती हैं कि हलाल मीट पर बैन लगे और ये लोगों की इच्छा पर निर्भर होना चाहिए। रियलिटी शो लोकअप में कंगना रनौत भी कहती हुई नजर आई कि दरअसल हलाल मीट एक तरह की ज़बरदस्ती है और देश में ज़्यादातर लोगों को ये ज़बरदस्ती सहनी पड़ती है। आपको बताने चलें, इसी विवाद के चलते हाल ही में एक बहस हुई थी जिशान खान और पायल रोहतगी के बीच, जिसमें पायल रोहतगी उग्र होती हुई नज़र आई थी। साथ ही साथ जिशान खान भी उन्हें अभद्रता से ट्रीट करते हुए नज़र आए थे। इस बहस में पूनम पांडे भी बीच में आ गई थी और ट्रायंगल देखने को मिल रहा था लड़ाई का। इस लड़ाई के बाद लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन पायल रोहतगी अपने बयान पर बनी हुई हैं। उन्होंने कहा है कि वो चाहती हैं कि हलाल मीट बैन हो जाए, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर उनकी बात से किसी के सेंटीमेंट्स हर्ट हुए तो उसके लिए माफ़ी मांगती हैं। आपकी पूरे मुद्दे पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसी तरह के ज़्यादातर अपडेट्स होने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।